मेलघाट के अति दुर्गम वन ग्राम में स्थित इन गांव में पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन माना जाता है। लेकिन ऐसे ग्रामों में भाजपा की मेलघाट विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके ने भेंट देकर गांव स्थिति का जायजा लिया। लंबे समय से शासन की योजना सहित विकास की प्रतीक्षा में नजर आने वाले धोकड़ा, कुंड, किनीखेड़ा, रंगूबेली, खामदा, बैरागढ़, इन अति दुर्गम वन ग्रामों को भेंट देते हुए भाजपा विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके ने विकास से पिछड़े इन गांव के हालचाल जाने ग्रामीणों से संवाद साधे। ग्रामों में आने जाने के लिए रोड रास्ते नहीं रहने से इन गांवों में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इस तरह के गांव में कोई अधिकारी व सरकारी यंत्रणा समय पर नहीं आती है। गांव में बिजली, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समस्या ग्रामीणों ने ज्योति सोलंके इनके समक्ष अपनी व्यथा रखी। इस दौरान समूचे ग्राम का संपूर्ण दौरा कर सभी समस्या का आकलन भाजपा विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके ने किया। रंगूबेली, खामदा, किनीखेड़ा, कुंड, धोकड़ा, बैरागढ़, हरदा जैसे अति दुर्गम ग्रामों के विकास के संदर्भ में नियोजन सहित उपाय योजना को लेकर जिला प्रशासन से चर्चा कर उचित कदम उठाए जाएंगे का विश्वास भाजपा नेता व विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके ने ग्रामीणों से चर्चाओं के दौरान दिया। सभी अति दुर्गम ग्रामों की विकास से तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास चलाएंगे। अति दुर्गम शासन की योजनाओं से पिछड़े ग्रामों की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सभी स्तर पर वन ग्रामों को विकास के प्रवाह में लाने का प्रयत्न किया जाएगा, जैसा विश्वास भी ग्रामीणों को भाजपा मेलघाट विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके ने दिया। मेलघाट भाजपा विधानसभा अध्यक्षा ज्योति सोलंके के अति दुर्गम वन ग्राम भेंट के दौरान उनके साथ भाजपा की महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। तस्मीन शेख सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज़, धारणी।